बजे भी किसी को तकलीफ हो, अली भाई वहां पे है। सुख दुख
हर चीज में। रात को 3 बजे भी याद करो, खान साहब ने कभी किसी को मना नहीं किया है। और अपनी अध्यक्षता आज 10वां वर्ष पूरा होने जा रहा है अली खान जी का, तो मैं चाहूंगा मंच के ऊपर आर के सिंह जी उनका अपील करें और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। उस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जिन्होंने बनारस की कमांड संभाली थी और सबकी निगाहों में था क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र था और उस पे ही और हमारा साथ देना और हर बार आना एक प्रेरणा तो देता ही है, लेकिन हमारे बीच में एक अभिनेता ऐसे हैं जिन्होंने कई हिट भोजपुरी फिल्में दी और एक मिनट दादा ठीक है सर, लुक इकड़े, ये मंगल बैकग्राउंड लगा के था, आइए सर आइए, आप सबका अभिनंदन। मैडम मैम आगे आइए थोड़ा, ये हमारी वाइफ है डॉक्टर चंद्रन, आइए प्लीज। सोशल कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट और हर फील्ड के लोग लगभग यहाँ पर हैं। और मैं कई लोगों को गुजरात से भी देख रहा हूँ जो हमारी टीम के हैं, ह्यूमन राइट्स के मोरिया की टीम को देख रहा हूँ जो सूरत से हमारी, पता ही नहीं सारे मेंबर्स अपने ही अप्रोचेस से आते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे करने लगूंगा तो शायद मंच का आयोजन बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये समय निकाल के सारे हमारे बीच में मुन्ना जी आए हैं और मुन्ना जी हमारे बीच में पिता तुल्य जो विराजमान हुए उत्तर प्रदेश से, जो है अपना समय निकाल कर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मुझे लगता है कि सामाजिक मौजूद है, मैं चाहूंगा कि हमारे मुकेश
राकेश पांडे जी ह्यूमन राइट वायलेशन कंट्रोल सेल चेयरमैन का माल्यार्पण करके बबीता जी का स्वागत करेंगे और साथ में वकील बाबू जी कृपया करके स्वागत करेंगे। वकील बाबू जी का तालियों एक प्रथा है सर कार्यक्रमों के तहत की जाती है और सबसे लास्ट में हमारे थोड़ा परिचय के साथ योगेश दुबे जी जुझारू युवा नेता एवं अब मैं ह्यूमन राइट्स की बहुत बधाई हो छोटा सा स्कूल था बेटियों भांडा स्कूल में इसलिए बता रहा हूँ कि इंसान को कभी भी अपने गुरु को भूलना नहीं चाहिए। आज इनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी फिल्मों में पहुंचा खुदा गवाह सर फरोज को हराम और मैं बिहार से हूँ बोधगया से हूँ। हमारे देखिए हमारे हमीद भाई जो है हमीद भाई की एक सीरियल मैंने किया था मित्तल साहब जिससे मेन विलन था मुन्ना जी मैं फिल्मों में हीरो बनने आया था और कोई गॉडफादर नहीं था तो विलन बन गया। देखिए वहां से कॉल पे कॉल आ रहा तो हमीद भाई ने मुझे एक सीरियल ऐसे मेन विलन लिया। खैर एनीवे कहने का मकसद ये है कि ये मंच ऐसा है कि जहाँ से आपको इंसाफ मिलता है जहाँ से आपको इंसाफ दिलाने की बात की जाती है और ह्यूमन राइट्स का मतलब ये होता है कि आपको अपना अधिकार लेने का हक मालूम होना चाहिए। जब से आप पैदा होते हैं जब से आपकी मृत्यु होती है यानी डेथ होती है तब तक आपका जो अधिकार है उसको लेने की आपको खुद की जरूरत है आपको खुद फाइट करना है और ये बड़ा अच्छा मंच है। और मैंने पिछली बार भी बहुत से लोगों को जोड़ा था इस मंच से और इस बार भी और इस मंच को इस संस्था को ये मंच जो है सिर्फ राकेश पांडे जी या मुकेश पांडे जी का नहीं है हम सब का क्योंकि आप लोग इतनी दूर दूर से आते हैं कोई गुजरात से आया कोई बिहार से आया कोई वाराणसी से आया यूपी से आया ये एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी जब हम सब यूनाइट होंगे। और आज चूंकि मुल्क के अंदर हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं उस हालात पर भी हमको गौर करना है हमको सिर्फ पार्टी या पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचना सबसे पहले हम एक अच्छे इंसान बने सबसे पहले हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं इस मुल्क के बारे में सोचें अपने बारे में सोचें अपने पड़ोसी के बारे में सोचें हम सब का खून एक है हम सब एक हैं और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हम भारत के एक हिस्सा है हमारी वजह से हम हिंदुस्तान को हम सब लोग मिलकर मजबूत करें ऐसी संकल्प हम यहाँ से लेके जाएंगे। और चूंकि बहुत सारे प्रवक्ता अभी बोलने वाले हैं चूंकि मैं तो मुंबई अध्यक्ष हूँ और राकेश पांडे जी ने कहा कि अली भाई आप ज्यादा बात मत कीजिएगा चूंकि आप भी लोगों को बोलना तो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आप सबका हम जो दिल्ली से यहाँ बीच में मौजूद है बताओ जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करेंगे। और मैं और लालजी यादव जी खड़े रहे बहुत मेहनत आप लोगों ने किया है बॉम्बे के अंदर मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से साथ इनका अभिनंदन करें। पप्पू नाडिया द्वारा पीछे राजा जी होल्ड हो ना हाँ होल्ड यहाँ देखे इधर देखे पप्पू नाडियाडवाला जी को देखिए पप्पू जी इधर देखिए आर के सिंह मेरे पास आ जाए खुशी गुप्ता जी आपका वेलकम करते हैं यहाँ देखिए आपके राइट हाँ गुड गुड थैंक यू साथ में वेरी नाइस यहाँ देखिए मैम यस थोड़ा पीछे हो जाओ थोड़ा पीछे हो जाओ वोटिंग के लिए कहाँ रहो थैंक यू यस थैंक यू ठक्कर जी कहाँ पे थैंक यू मैडम अच्छा आप सब लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद थैंक यू ठीक है थैंक यू थैंक यू समाज में जब तक की एकता नहीं होगा तब तक हम नहीं समझते हैं कि ये समाज एकता हो जाएगा तब समझिए समस्या
समझेंगे कि समाज बढ़ता जाएगा और जैसे ही बढ़ता जाएगा आप समझेंगे समस्या हल नहीं होगी। इसलिए समाज आप ये समझिए कि सबको एक साथ रखा कोई भी समस्या यदि पूरा हो सकता है जबकि सारे लोग मिल करके उसका समाधान करें। लेकिन अगर हम अलग अलग देख रहे हो अरे नाम नहीं हर आदमी हिंदुस्तानी है और हर आदमी हिंदुस्तान कर रहे हैं सब मिल करके अगर समस्या ना आप समझते हैं कि हमारी सारी समस्या है। खास करके मैं चाहूँगा शुरू से शुरू करिए अगर आप ये प्रोग्राम करना चाहते हैं तो पहला क्वेश्चन चाहिए अपने परिवार माता पिता का घर का अपने परंपरा का रक्षा करिए। आप किसी जगह नहीं लिखा है कि आप जाकर खबर को मारिए गाली दीजिए किसी को भगाइए सबको एकता करने से समस्या को हल प्रधानमंत्री के क्लासिक पॉलिसी का प्रेसिडेंट राउंड रहा जा सकता हूँ। प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट का जो मूल उद्देश्य है मानव समाज का एकीकरण। जब तक हम अपने जो सिद्धांत है आज के दिन में मानवीय संवेदना चाहे वो बोलने वाला हो न वोट मारने सबको समीकरण एक बैठा करके इस समाज का उत्थान करना विशेष रूप से महिलाओं के साथ इन उस समय के अंदर जो हुआ है सभी लोग जो है फोन की घटनाएं जो बड़ी है इन सब में वायलेंस उस वायलेंस को दूर करना और समाज में महिलाओं को साथ लेकर के कंधे से कंधा मिला करके इस देश को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेके चलना ये प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट का मूल उद्देश्य है। पूरे भारत में हमारे ऑर्गेनाइजेशन है इसके सदस्य हैं और हर जगह अपने सदस्यों के माध्यम से हर देश में यहाँ तक कि जिलों में भी हमारे प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट के ग्रुप मेंबर हैं अध्यक्ष हैं और दे आर डूइंग वर्क फॉर द फीमेल फॉर द वायलेंस एवरीवेयर। सुधीर सर बोलिए आप इधर आइए सर सुधीर सर सब लोग योगदान देना चाहते हैं इस मंच पर मंच हर व्यक्ति को जुटाता है हर तरह के लोगों को बुलाता है। मैं यहाँ पर आकर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा एज एन एक्टर कि ये बहुत स्वाभाविक है कि हम अपने परिवार से प्यार करें अपने समाज से प्यार करें अपने देश से प्यार करें लेकिन प्यार से नफरत करने में बस यही भावना लेकर अगर हम चले नफरत की भावना नहीं रखें और जैसा कि सर ने बोला कि एकता की जो भावना है यही समाज को जोड़ेगी और हर किसी को का अधिकार अपने आप मिल जाएगा। अधिकार का मतलब यही है कि एकता बनी रहे और हमारा कंट्री ये बोलना चाहूँगा कि हमारा कंट्री सिर्फ डेमोक्रेटिक नहीं है रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब कि अगर कोई समाज का ऐसा ताकतवर वर्ग हो तो वो निम्न वर्ग को दबा नहीं सकता है निम्न वर्ग को भी हर अधिकार मिलता है हमारे संविधान में तो हमारा संविधान हमारे मानव अधिकार को बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है और हमारे हम बहुत लकी है कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है। सो आई फील प्राउड ऑफ माई कंट्री सो आई लव माई कंट्री। मेरी जो मूवी भी आ रही है अभी फॉर विक्टर उसमें भी देशभक्ति की भावना है पैट्रियोटिक फिल्म मैं बनाया हूँ और मुझे इस बात पर अभिमान है। थैंक यू सो मच। दुनिया में नहीं मुझे कम से कम 57 देश में जाने का मौका मिला। फ्री वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक यूथ जिसने हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए भाई ने कहा हम अलग विचारधारा रखते हैं लेकिन भारत सबका है। अपनी मान्यताओं शर्मा जी ने कहा जब मूल भाव जो है जहाँ से बच्चा जो है पहला सब्जेक्ट जो है उसका चाइल्ड एंड पॉपुलेशन ऑफ सिटीजनशिप बिटवीन द किस वो माता का प्यार बाप का प्यार से ही आप पैदा हो वही आपकी पहली शिक्षा है।
तमाम जातियों का है, धर्मों का है, तमाम भाषाओं का है, तमाम तरह के, लेकिन सब मिलके एक आज मान्यताएं भी होना चाहिए। सत्ता मजबूत तभी रहेगी जब प्रतिपक्ष मजबूत है, विरोधी दल का सम्मान भी। यही मेन चीज है कि आप कहीं भी रहिए, लेकिन देश इसमें समाज इसमें बढ़ने का प्रयास भी है, बढ़ाने का प्रयास भी है, सबको साथ लेकर चलने की भावना रखिएगा, भाग विचार भी रखिएगा। हम आप भाई हैं, वही रहे, वही विद्या मंदिर में रहे, पंडित मदन मोहन मालवीय छोटे बड़े हो सकते हो, और वही उम्र 74-75 साल की। आज का प्रोग्राम था वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के अवसर पर, जो है स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट के लिए हमने आयोजित किया था। और दोस्तों बड़ी मात्रा में जो लोग आए एज अ प्रेसिडेंट, मैं काफ़ी हैप्पी हूँ वैसे फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट के नाते, कारण कि यहाँ पर जितने भी लोग आए थे बड़े उत्साह के साथ आए थे। और ये 10 साल से लगातार मेरा कार्यक्रम मुंबई में आयोजित होता है, और सबसे बड़ी बात मेरे प्रोग्राम के आज भी रही और हमेशा एक खासियत रही है कि हम लोग यहाँ पर जो है क्या है ह्यूमन पावर, क्या है ह्यूमन राइट्स, उसके बारे में लोगों को अवेयर कराते हैं। और अभी यूएन असेंबली में इस बार जो स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट टॉपिक दिया गया था, उस टॉपिक को यहाँ पर उठाया गया है, जिसमें यहाँ पर अरुण कुमार सिंह मुल्ला जी, कांग्रेस के बहुत बड़े सीनियर लीडर, पूर्व प्रधानमंत्री के एडवाइजर अचिल शर्मा जी, ह्यूमन राइट वॉलेशन काउंसिल के चेयरमैन मुकेश पांडे जी, अनिल धवन जी, जिनकी भी अंदाजों हित हुई थी वो थे, जी थे, और सुदीप पांडे भोजपुरी फिल्म के हीरो, और तमाम बहुत बड़े बड़े आरटीआई एक्सपर्ट्स भी आए। तो आज के प्रोग्राम की खासियत क्या है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इतना यूनाइट होकर और इस ढंग से आज 2.5 से 3 घंटे लोग बैठे रहे, और इसमें काफ़ी संख्या में लोग जो है आज इसमें जुड़ रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है समाज के प्रति अपने अधिकारों को जानो पहचानो, क्योंकि आदमी वही होता है, मनुष्य वही होता है जो अपने अधिकार को जानता है और पहचानता है, जानवर है जो अपने अधिकार को नहीं जानता। अगर मनुष्य होकर अपने अधिकार को हम नहीं जानते हैं तो इसका मतलब हम मानव नहीं है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे आप लोगों के लिए, लोगों के लिए और उन लोगों के लिए किया हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जो अपने अधिकारों को भूल बैठे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ आज इस मुंबई में अपने गेस्टों को, आने वाले सारे लोगों को, और अगले साल हम फिर मुंबई में ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करेंगे, और मैं उनको मैं चाहूँगा इसी संख्या में लोग आए और लाइसेंस मिले। आम आदमी कोई भी हमारी संस्था से जुड़ सकता है, और उसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा फॉर्म है सदस्यता का, भर सकता है 100 रुपीज़ का फॉर्म है, और उस फॉर्म के अंदर भी क्या है कि हम गुजरात से लेमिनेट करके उनको क्लियर करते हैं, मतलब 150-200 हमारा ऐसे नॉर्मल खर्चा हो जाता है। लेकिन सवाल क्या है कि पैसा भी कम रखा है, लेकिन लोग जो करना चाहते हैं हम उनको ही देना चाहते हैं, और उससे जुड़ सकता है और इस क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र के अंदर हमसे जुड़ के। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।